मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं टू सर्किल डॉट नेट का दिल्ली का कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। और आज हम यहाँ पे दाता शाह मकान, जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौस साहब से। ये यहाँ पे बहुत सालों से रहते आए हैं और ये बीड़ी बनाते हैं जी। तो गौस साहब बताएं कि यहाँ के आपकी परेशानियाँ क्या क्या आती हैं आपको, यहाँ पे किस तरह से आपकी ज़िंदगी चलती है यहाँ पे, पर आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें क्या परेशानियाँ आती हैं, कैसी ज़िंदगी है यहाँ पे, और मुसलमानों की क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पे? तो बहुत परेशानी है जी। कुछ भी क्या ही पूछते हैं? कोई नहीं पूछता? नहीं। अच्छा, ओके। क्या 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 परेशानी पर बताएंगे? पीना, खाना, रोजगार जी। रोजी तो नहीं है अब वो। हाँ, चुपके चल जी, चुपके चलते अब। चुपके चलते मतलब? गुजारा कैसे चलता? गुजारा कैसे चलता है आपका? दो बेटियां ही जी, उनसे गुजारा चलता है। अच्छा अच्छा, वो काम करते हैं? नहीं, काम नहीं ना। वो किराना कैसा चलता है आपका? वो तो हमारे बच्चे ही करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो एक जने ऑटो चलाते। अच्छा, एक जने जैसा लवे का काम करते। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पे आपके जो सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं, योजना है, उसको उसके बारे में बताने के लिए कोई आता है आपको? सरकार के बारे में? योजना स्कीम्स के बारे में? के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, कोई भी आती भी नहीं है, क्या ही मालूम। अच्छा, इसमें मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग है, TMMK, MMK, उसमें से कोई यहाँ पे आता है कभी? नहीं, उनका टाइम पड़ा तो आते, इलेक्शन के टाइम पर आएंगे, फिर होता फिर आते। ऐसे नहीं आते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते, कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों का यहाँ पे? ओके ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब।